हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हम अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमें वीडियो शूट करने में डिले हो गया क्योंकि मैं गया हुआ था काम पर। यहीं बाजू में है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का हेल्पर का काम करने गया था मैं, तो अभी आने में देर हो गया। नहीं तो ये वीडियो आप लोगों को 1 बजे देखने को मिलता, लेकिन अभी शूट कर रहे हैं तो शायद पता नहीं कब डाल देंगे। तब तक देखने को तो आपको आज ही मिलेगा, संडे है, संडे की ओनी हम लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई डिले किए हुए। तो क्यों नहीं क्वेश्चन में हम क्या करते हैं दोस्तों, आप लोगों का कमेंट लेते हैं और कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं। तो आज हमने कुछ कमेंट यहाँ पे कलेक्ट किए हुए दूसरे फ़ोन में, तो आप लोगों को हम अभी वो पढ़कर सुनाएंगे और उसका आंसर भी देंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कमेंट है जो हमने लिए है, वो है साधना कुमारी। उन्होंने लिखा है, आप कौन कौन से यूट्यूबर का ब्लॉग देखते हो बताइए। तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनका हम ब्लॉग देखते हैं। तो हमारा चैनल है ब्लॉग कैटेगरी का, तो हम ब्लॉग कैटेगरी का चैनल ज़्यादा देखते हैं, जैसे कि मामपी दीदी हो गया, राहुल भैया का यही साथ में ही है, और मिष्ठू मिष्ठी, और राजू रोशनी, रोहन पीड़िया, रोहन लव पीड़िया, ऐसे जितने भी चैनल है वो से बहुत सारे चैनल हम देखते हैं। जैसे कि हो गया सौरभ जोशी ब्लॉग, फ्लाइंग बीस्ट, कितना का नाम बोले, बहुत सारे चैनल को हम सब्सक्राइब करके रखे हैं और उनको देखते हैं। और आशी रानी दीदी का भी चैनल है, आशी रानी महाजन, आशी रानी ब्लॉग, ऐसा करके हम बहुत सारे चैनल देखते हैं। और रोशन गाजीपुरिया बहुत है, क्या बोलता है, गोरखपुरिया भौजी, ऐसा बहुत चैनल है जिनको हम देखते हैं, कितनों को याद करें, बहुत है। और हमारा नेक्स्ट कमेंट है आदित्य सिंह राजपूत, उन्होंने लिखा है, आप भी कहीं खुशी कृष्ण की तरह मत निकलना प्लीज़, बहुत हर्ट होता है ऐसे। तो बिल्कुल ही हम उनकी तरह नहीं हैं, अगर उनके तरह होते तो आज हम अभी तक दोस्त ही होते, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिए, किसी को तो शायद मालूम भी पड़ गया होगा कि हमने उनका नाम ही साफ कर दिया है अपने चैनल से। आप लोग देख लेना, उनके ऊपर और उनके टॉपिक के ऊपर जितना भी वीडियो बनाया हुआ था, जितना भी आज तक, मैंने सभी हटा दिया है। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप लोग अगर देखेंगे तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा वीडियो छूट गया था, मुझसे भी हटा देंगे। आप लोग हमारे चैनल को चेक कीजिए, अगर कोई रह गया है तो हमें बताइए, हमें बताइएगा, क्योंकि हमें नहीं पढ़ना, हमें कंट्रोवर्सी वाली वीडियो करना ही नहीं है। अब बहुत बहुत पछता रहे हैं वो सब करके जो भी किए हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने किया था उस तरह से गया नहीं, कुछ लोगों ने उसका गलत मतलब निकाल लिया। तो वैसे भी हमने उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था, हमारे साथ क्या क्या हुआ था वही बनाया था। हाँ, बहुत पहले उनके सपोर्ट करिए ऐसा वैसा बोला था, मैंने सारे वीडियो हटा दिया है और आगे से किसी के ऊपर भी कंट्रोवर्सी वाली वीडियो नहीं बनाएंगे। और आप लोग जब हम मैम पी दीदी के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो आप लोग कहते हो कि अपने ऊपर बनाइए, तो हम आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि हम अपना वीडियो किस दिन नहीं बनाते हैं, हम रोज़ ही अपना ब्लॉग डालते हैं, रात के 8 या 9 बजे हमारा ब्लॉग आ ही जाता है। और क्या बताएं आप सभी को, और सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियो बनाते हैं शुरुआत में, तभी तो ग्रो होता है, तभी तो मतलब ज़्यादा लोग तक हमारे चैनल पहुंच पाता है, इसलिए शुरुआत में करना पड़ता है ये सब। आप कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझिए, ठीक है, इसीलिए हम बनाते हैं। और कोई नेगेटिव वीडियो तो नहीं बनाते हैं ना, पॉजिटिव होता है, और डेली का डेली तो भी नहीं बनाते हैं, कभी कभी बनाते हैं। तो आई होप आप हमारे इस बात को समझेंगे। और हमारा नेक्स्ट कमेंट है द गोविंदा 2025, उन्होंने लिखा है, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, आप दोनों लोग क्या करते हो और स्टडी कहाँ तक करे हो आप दोनों, प्लीज़ रिप्लाई, अगर मेरे क्वेश्चन से आपको हर्ट हुआ हो तो सॉरी। नहीं भाई, क्यों होगा हर्ट हमें, बिल्कुल हर्ट नहीं हुआ है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी, पर्सनल से पर्सनल और जनरल से जनरल कुछ भी पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ईमानदारी से पूरी शिद्दत से देंगे। तो आपने पूछा है कि हमारे क्वालिफिकेशन क्या है, तभी हमारा लाइफ स्टोरी आने वाला है, हम सोच रहे हैं कि आपसे डालेंगे तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा कि क्या कुछ हुआ है नहीं है। लेकिन क्वालिफिकेशन की बात करें, रिमला बीएससी फर्स्ट ईयर में है और साथ में टीचिंग करती है, और मेरा क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, यानी 10th पास बोल सकते हैं। मैंने 11 में भी एडमिशन कराया हुआ था, लेकिन पैसे की कमी की वजह से मैंने अपना एडमिशन चार्ज नहीं भर पाया और इनका भर दिया, तो ये आगे चली जा रही है और मैंने स्टडी ड्रॉप कर दिया। और ज़िंदगी के इसी माहौल में इतना फंस गया था, उलझ गया था कि पैसे कमाने के लिए अपने देश से बाहर दूसरे देश तक भी पहुंचा, लेकिन कहीं पे भी नसीब साथ नहीं दिया, तो फिर वापस लौट आए हैं। तो कहीं पे भी नसीब काम नहीं किया है, तो फिलहाल अभी भी यहाँ हैं, तो अभी भी हम यहाँ पे हैं। तो क्या कर रहे हैं वो भी आप लोग को बता देते कि अभी हम कोई हेल्पिंग वाला कोई काम अगर मिलता है तो हम कर लेते हैं, जैसे कि आज 2 दिन का ठेका लिया हुआ है, तो 2 दिन तक हम वहीं पर काम करेंगे, तो शायद हमारा वीडियो 2 दिन तक आपको
लेटेस्ट ना देखने को मिले, पिछला वाला ही मिले। और इनके चैनल है, बिमला का चैनल है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर आपको लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो इनका देखने को मिलेगा। हम तो शायद काम पर होंगे, तो बस यही है, इतना ही करते हैं और आगे इनका स्टडी जारी है और आगे देखते हैं क्या क्या होता है। और हमारा नेक्स्ट कमेंट है टॉकिंग टॉम हाउस, उन्होंने लिखा है, हे दी, आप और जीजू की क्वालिफिकेशन क्या है, प्लीज़ रिप्लाई मी, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट फॉर यू। तो हमने बता दिया है। और नेक्स्ट कमेंट है हमारा निमांशी भट्ट, उन्होंने लिखा है, लव स्टोरी कब बताओगे आप लोग? तो लव स्टोरी हम कब बताएँगे, जब हमारे चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए, एटलीस्ट सारे वीडियो पे 8-10 हज़ार व्यूज आने लगे और हमारे बाल भी आ जाए, तो तब बता देंगे। और हमारा नेक्स्ट कमेंट है वांशिका द्विवेदी, उन्होंने लिखा है, दीदी मेरा क्वेश्चन लेना प्लीज़, आपकी शादी को कितने साल हो गए और सुहाना कितने साल की है, और आप और अपने लव मैरिज की है तो आपकी फैमिली एक्सेप्ट करी आप लोगों को? नहीं, हमने लव मैरिज ही की है बट हमारे फैमिली हमें एक्सेप्ट नहीं किए, मेरे मायके के फैमिली अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए हैं, और यहाँ पे जो है ससुराल वाले वहाँ एक्सेप्ट कर लिए हैं, पूरा पूरी एक्सेप्ट कर लिया है, बस किसी काम के लिए सपोर्ट नहीं करता, बस उतना है, बाकी सब एक्सेप्टेड है। हाँ। और इनके फैमिली से अभी एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ नहीं अभी। और कितने साल हुए शादी को? तो ये अभी मैं है, जून में हमारे शादी को 4 साल कम्प्लीट हो जाएगा, जून में। हाँ। और मे 5 का सुहाना का बर्थडे है। हमारा नेक्स्ट कमेंट है Goldie07, उन्होंने लिखा है, आप अपने चैनल पे क्या वीडियो बनाते हैं, आपका कंटेंट क्या है, प्लीज़ ज़रूर बताना। हमारा कंटेंट ब्लॉगिंग है, हम ब्लॉग करते हैं, डेली लाइफ हम कुछ भी करते हैं, वो दिखाते हैं आप लोगों के साथ, हम शेयर करते हैं। और हमारा नेक्स्ट कमेंट है Ritik NGF, उन्होंने लिखा है, आप अपना विलेज कब जा रहे हो भाई और भाभी, कब सा पढ़ी कर चालू करके, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, प्लीज़। तो आपका एक ही क्वेश्चन हमें समझ में आया, आप अपना विलेज कब जा रहे हो, तो कभी भी जाएंगे हम तो वीडियो बनाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या कहा है हमें समझ में नहीं आया, सॉरी। और हमारा नेक्स्ट कमेंट है प्रीति शर्मा, उन्होंने लिखा है, हेलो माई स्वीट भैया एंड भाभी जी, आप दोनों में तो बहुत प्यार है, मगर ऐसी कोई एक चीज़ तो होगी जिस पे आप दोनों को एक दूसरे में पसंद नहीं होगी, वो कौन सी चीज़ है, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन, लव यू बोथ, लव यू टू, सबसे पहले सिस्टर लव यू टू, एंड कौन सी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है मेरी, बताओ। आप बताओ पहले इनके बारे में, मुझे क्या पसंद नहीं है वो अभी हम नहीं पता, अभी नहीं बता सकते, बताएंगे कभी ढूंढ कर लिस्ट बनाकर। इनके बारे में भी क्या अच्छा नहीं है, बहुत सारे हैं दोस्तों, तो हम बाद में बताएंगे, एक अलग से वीडियो ही बनाएंगे जिन्हें इनके बारे में, इनके जो गलतियाँ हैं, इनके जो हैबिट्स हैं जो मुझे पसंद नहीं है मैं आपको बताऊँगी, अभी नहीं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MD जुनैद, उन्होंने लिखा है, आप लोग के आवाज़ में एक बार मैं अपना नाम सुनना चाहता हूँ और आशा करता हूँ ये ख्वाहिश पूरा कर दोगे। तो हेलो MD जुनैद जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग, थैंक यू सो मच हमारे वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। आप भी बोलिए। हाँ, थैंक यू सो मच। MD जुनैद जी बोलिए। MD जुनैद जी, हाँ MD जुनैद जी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा कमेंट ख़त्म होता है दोस्तों, एंड होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आप कुछ बोलोगे? और ये कमेंट हमने कहाँ से पिक किया था, तो हमने कम्युनिटी पे फोटो लगाया था, उसमें हमने बोला हुआ था कि Q&A के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, तो इतना ही कमेंट आया था उस पर, तो हमने सारे पिक कर लिए हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो कि नेक्स्ट Q&A वीडियो में आपका भी नाम आए, क्वेश्चन आए, तो आप लोग कम्युनिटी से करते रहिएगा, वहाँ पर हम पोस्ट डालते हैं, वहाँ पर कमेंट कीजिएगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, हमें रहे प्यार के, फिर मिलेंगे, चलते चलते, लव यू ऑल। और दोस्तों, हम कैसे कैसे वीडियो बनाएं आप फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं, आप क्या वीडियो देखना पसंद करते हैं, कैसे कैसे प्लीज ट्राई करेंगे आपके ख्वाहिशों पर वीडियो बनाने का। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक फॉर वॉचिंग।